बेसिकली इस बार उसको कुछ भी करके, चाहे वो सुने ना सुने, प्यार का इजहार करना है और प्यार के लिए मार भी खानी है, जो कि बेचारा खा रहा है. इश्क नहीं, ये तो मतलब ये तो इतना डीप है ना लव, कि ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का लव है. सो उसके लिए रॉकी कुछ भी करने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए तैयार है, जस्ट उसको महसूस करवाने के लिए कि बॉस यू आर द वन फॉर मी. यार कोई भी कोई फिजिकल फाइटिंग सीन ऐसा कुछ होता है तो हाँ डिफिकल्टी तो होती है, बिकॉज बहुत गिरना उठक पटक बहुत होती है. इसीलिए हम हीरो लोग जो हैं जिम जाते हैं ताकि ऐसी फाइट्स के लिए हम आदी हो जाएं. ओके इसलिए थोड़ी थोड़ी बॉडी बनाते हैं ताकि वी गेट यूज टू, बिकॉज आई थिंक वी ऑल लव बॉयज, उनको ये फाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है. बट अनफॉर्चुनेटली इस फाइट में मेरा हाथ ऊपर है. This is Rocky, is like Rocky Balboa. Seriously, इस बार ये मार खा रहा है ताकि he can fight back. हाँ तो yes, I'm shooting on Kabule set. ये मेरे लिए बहुत ही एक nostalgic moment है, कि जैसे मैंने enter किया ऐसे feel हुआ कि यार ये गलियाँ ये चौबारा आएगी ना दोबारा, लेकिन दोबारा आई, लेकिन वो set नहीं रहा. So you know it took me back in time कि जगह वही है लेकिन सेट नहीं है, यू नो लोग नहीं है, वो वाले लोग नहीं है जिसके साथ मैं काम कर रहा था. सो इट्स अ न्यू जर्नी, न्यू लाइफ, एंड शुरू करनी पड़ती है नई जर्नी सबको. तो इसलिए आई एम एक्साइटेड अबाउट, वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट नागिन. और जैसे कि हमने पूछा रॉकी को लेकर, आई एम डैम एक्साइटेड. मतलब वो एक इतना एंथुजियास्टिक पेपी और यूथफुल कैरेक्टर है. आई जस्ट होप ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं. और I'm just praying that the audience accepts me as a part of this beautiful, phenomenal journey called Nagin. कुछ भी हो जाए शिवांगी को पाना है, उसके लिए मार खानी पड़े, भीगना पड़े, डांट खानी पड़े, थप्पड़ खानी पड़े, रॉकी को मंजूर है. बट ही विल मेक हर रियलाइज के सच्चा प्यार रॉकी है.